तो गाइस आपको जो परेशानी आ रहा है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेसबुक में चले जाते हैं। उसके बाद हम थ्री डॉट पे अगर क्लिक करेंगे, पेज में जाएंगे तो हमारा जो परेशानी है, मैं भी परेशान था पहले, पर मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है। मैंने ये टेम्परेली चेंज करने के लिए ये खाली पेज क्रिएट करा है। यहाँ हम जाएंगे, यहाँ हम क्लिक कर देते हैं, मोर पे एडिट पे पेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पेज इन्फो पे क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे एडिट करने के लिए, तो यहाँ कुछ शो होता है, एडिट होने का नाम ही नहीं लेता है, पता नहीं क्या दिखा रहा है, आप पढ़ के देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। तो हम जाते हैं क्रोम ब्राउज़र में, यह हम सर्च करेंगे ऐप भी, उसके बाद सर्च कर दें, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ फेसबुक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आईडी आपका लॉगिन हुआ नहीं है तो लॉगिन कर ले, थ्री डॉट पे आप क्लिक करें। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेज है जिसको एडिट करना है उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे और ये रही है व्हाट्सअप का कुछ आ रहा है, ये सब हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैं हटा देता हूँ। और ये एरिया हम क्लिक करेंगे यहाँ एडिट पेज पे, उसके बाद यहाँ पर हम आ गए ये एरिया। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई इशू फील नहीं होगा और आप पेज को इजीली एडिट कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, पेज का कुछ और नाम रख लेते हैं हम। और यहाँ मैं रख लेता हूँ सब फॉर सब। तो ऐसे ही आप फेसबुक पेज का नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐप से करेंगे तो वहाँ से चेंज नहीं होगा, यहाँ से करना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र या गूगल से। गूगल से करेंगे तो हो जाएगा, क्रोम से भी हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रोम ब्राउज़र से करें क्योंकि वो बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करता है। तो गाइज़ ये चेंज हो गया है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दें, भले ही बेल आइकन ऑल पे मत करना, पर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप बेल आइकन ओपन करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो गाइस बेल आइकन ओपन मत कीजिए, आप सब्सक्राइब कर दे भाई, भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है।